नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। नींबू सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वहीं क्या आपको पता है कि नींबू का इस्तेमाल स्किन बालों को हेल्दी बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है। वहीं नींबू में मौजूद तत्व स्किन की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। लेकिन नींबू आपको सही तरीके से ही चेहरे पर लगाना चाहिए। ऐसे में अगर आप अपना रंग निखारना चाहते हैं तो आप नींबू को सही तरह से चेहरे पर लगाएं। ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि नींबू को चेहरे पर कैसे लगाना चाहिए, क्या है चेहरे पर नींबू लगाने का सही तरीका। तो आपको बता दें कि नींबू के रस को पानी में मिलाकर लगाना चाहिए, या फिर 5 से 6 बूंदे नींबू के रस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगाना बेस्ट रहता है। वहीं ड्राई स्किन एलोवेरा जेल के साथ आधा चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर भी चेहरे पर इसे टोनिंग क्रीम के तरह अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ नींबू को डायरेक्ट चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चेहरे पर नींबू के रस में चावल का आटा मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन मुलायम और चमकदार बनेगी। इसको लगाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लें, इसमें नींबू का रस और आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इसके अलावा आप अपने चेहरे पर नींबू में चीनी मिलाकर भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप 1 चम्मच चीनी लें, इसमें एलोवेरा जेल और नींबू का रस मिला लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से चेहरे पर स्क्रब कर लें और फेस को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपको डेड स्किन से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आप चेहरे पर नींबू में ग्रीन टी मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप ग्रीन टी लें, इसमें नींबू का रस और विटामिन ई कैप्सूल डालें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट बाद धो लें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपको पहले से कोई स्किन रिलेटेड समस्या है तो नींबू का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।